वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 12 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है लखपति दीदी पहल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने से संबंधित अपने सपने को साकार करने में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, तभी ये चर्चा में आई है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में की थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। लखपति दीदी पहल के तहत सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है और यह कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देना ताकि वे प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की स्थायी आय को अर्जित कर सकें। यह पहल NRLM द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप परिवार को मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों के साथ मिलकर कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए ये प्रोत्साहित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की स्थायी आय होती है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न कौशल, प्लम्बर, LED बल्ब बनाना, ड्रोन संचालन और मरम्मत और सिलाई बुनाई में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को अपने कौशल का उपयोग करके आय अर्जित करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखपति दीदियों को सक्षम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए अभिसरण के माध्यम से अधिकतम प्रभाव के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण ये अपना रहा है। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है तो देख लेते हैं। ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसरों तक पहुंच के सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए एक टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध हो सके। DAYNRLM ये एक मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है जो राज्यों को अपनी राज्य विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। इस मिशन में 4 मुख्य घटकों में निवेश करके उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। इसमें ग्रामीण गरीबी महिलाओं की स्वप्रबंधित और वित्तीय स्वरूप रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थाओं की सामाजिक गतिशीलता और प्रचार और मजबूती। इससे वित्तीय समावेशन होगा तो ये इससे स्थायी आजीविका का संचालन होगा और सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच हो सकेगी लखपति दीदी पहल के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। श्रीलंका ने 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1997 में हिंद महासागर के जो किनारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इनके सदस्य देश हैं तो इसमें इसके सदस्य देश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और ओशनिया से हैं। एसोसिएशन की सदस्यता तो इसमें 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों तक विस्तारित ये की गई है। एशिया में कौन कौन से देश आते हैं इससे तो इसमें भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। अफ्रीका से इसमें केन्या, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस, सेल्स और ओशनिया से तो ओशनिया से खाली ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप का एक ही देश शामिल है इसमें, वो है फ्रांस। इसमें मैप दिया गया है और मैप में इसमें सारे देश हैं। इसे आइए देख लेते हैं।
इसका सर्वोच्च निकाय, तो इसका सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रालय की मंत्रिपरिषद है जिसकी वार्षिक बैठक होती है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ने 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इसमें व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, मत्स्य प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन और नीली अर्थव्यवस्था, इन 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है इसमें। और इसका सचिवालय एवेन मॉरिशस में स्थित है, ध्यान रखना एवेन मॉरिशस में इसका सचिवालय स्थित है। इसकी देखरेख एक महासचिव द्वारा की जाती है जिसे 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप ने हैदराबाद में पीडीपी हितधारकों की बैठक के दौरान पीडीपी सदस्यों के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग की घोषणा की है, तभी ये खबरों में आया है, तो आइए देख लेते हैं। ये पायलट चरण के 1 वर्ष के बाद आईपीसी की भागीदारी, योगदान और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो आप देखते हैं ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। इसे देश में दवाओं के मानक तय करने के लिए बनाया गया है। इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है। ये भारतीय फार्माकोपिया के रूप में नए जुड़ने और मौजूदा मोनोग्राफ के अध्ययन के करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज को प्रकाशित करता है। ये नेशनल फार्मूली ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। ये मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान और उसकी शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करता है। ये आईपी संदर्भ पदार्थ भी प्रदान करता है जो परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान और आईपी में निर्धारित उसकी शुद्धता के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। ये इंडियन फार्माकोपिया क्या है, तो ये एक मानक प्रकृति के में आधिकारिक है। इसे इन्हें मतलब भारत में जो दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियामक अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। इसमें गुणवत्ता आश्वासन के दौरान और अदालत में विवाद के समय जो आईपी मानक कानूनी रूप होते हैं उनको स्वीकार किया जाता है। ये भारत में विपणन के लिए मतलब भारत में इसकी मार्केट के लिए जाने जाने वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों की सुरक्षा करता है और प्रभावकारिता और सामर्थ्य में योगदान के माध्यम से ये समग्र गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसमें दवाओं के लिए विश्लेषण और विशिष्टताओं की आधिकारिक प्रक्रिया का संग्रह शामिल है। आईपी या इसके लिए किसी भी हिस्से और औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की दूसरी अनुसूची और उसके तहत नियम 1945 के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त है। इसको फार्माकोपियल चर्चा समूह के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं, तो इसका गठन 1989 में यूरोप की एक काउंसिल जो यूरोपीय फार्माकोपिया काउंसिल है, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय जो अब स्वास्थ्य श्रम और कल्याण मंत्रालय है उस और जापानी फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन इंक यानी यूएसए फार्माकोपिया में दवाओं की गुणवत्ता के लिए यूरोपीय निदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ इसका शुरुआत इसकी की गई थी। मई 2001 में पीडीजी ने एक पर्यवेक्षक के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब स्वागत किया। ये आमतौर पर वर्ष में 2 बार मिलता है और सामंजस्यीकरण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये मासिक स्थिति और तकनीकी टेली कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। हमारा अगला आर्टिकल है यूमेसिया बेनिफिका के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर ने जूलॉजी विभाग के शोधकर्ताओं ने इडुक्की जिले में नारियामपारा झरने के पास से एक बैग वर्म कीट विजार्ड बैग वर्म की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस नई प्रजाति का नाम उसके बैग के अजीब आकार के कारण रखा गया है जो एक जादूगर की टोपी जैसा दिखता है। ये भारत में खोजी गई
जीनस की चौथी प्रजाति है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये शिकारियों से बचने के लिए चतुर छलावरण का उपयोग करता है। इस प्रजाति के बड़े मामले लाइकेन से ढकी चट्टानों से जुड़े पाए जाते हैं। इस मामले में एक दूसरे से जुड़ते हैं और लाइकेन से ये ढकी कॉलोनी बनाते हैं। ये डिस्क जैसे अग्रभाग में ट्यूबुलर और पार्श्व भाग के कारण लार्वा बैग की टोपी जैसे ये दिखाई देते हैं। ये एक बहुभक्षी कीट नहीं है क्योंकि इनसे लार्वा केवल चट्टानों और शैवाल पर ही इनको शैवाल और काई को ये खाते हैं। अब बैगवार्म कीट क्या होते हैं? तो वे लेपिडोप्टेरा क्रम से संबंधित पतंगों का एक कीट पतंगों का एक परिवार है और ये अपने सुरक्षात्मक लार्वा मामलों के लिए जाने जाते हैं। ये कीट पतंगे दुनिया भर में पाए जाते हैं लेकिन ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। ये एक बारहमासी कीट जैसा कीट है और अपने ये लार्वा चरण में कई सदाबहार और यूनिपर्स में ये रहता है। इसका नाम लार्वा द्वारा अपने चारों ओर निर्मित बैगनुमा जो आवरण है उसके लिए उसी को देखते हुए इसका नाम रखा गया है। लार्वा अक्सर पेड़ों विशेषकर सदाबहार पौधों के लिए एक विनाशकारी होता है। ये सेंट थॉमस कॉलेज ये त्रिशूर के जूलॉजी विभाग के शोधकर्ताओं ने इडुक्की जिले में नरियमपारा के पास से इसको इसकी नई प्रजाति की खोज की है। तो आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डांसिंग मेंढक के बारे में। अभी भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के अनुसार डांसिंग मेंढक भारत की सबसे खतरनाक उभयचर प्रजाति है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, मतलब वहीं ये पाई जाती है। इसका पर्यावास तो ये पाया गया है कि ये प्रजाति कम से कम 70-80% घने छत्र आवरण वाले क्षेत्रों में इनका आवास को ये पसंद करते हैं और ये माई क्रिस्कल्स जीनस से संबंधित हैं। ये दुनिया की पांचवी सबसे अधिक खतरे वाली प्रजाति और इसकी 92% प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। ये व्यवहार में कैसे होते हैं? तो ये जलधाराओं के पास पाए जाने वाले डांसिंग मेंढक ये संभोग का अनोखा प्रदर्शन करते हैं। नर अपने पिछले पैरों को एक एक करके फैलाते हैं और अपने जालदार पंजों को नृत्य की तरह तीव्र गति से हवा में लहराते हैं। ये अपने साथी को आकर्षित करने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए शायद इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इनकी संभोग कॉलें जो नदियों से तेज बहाव में डूब जाती हैं। इस कार्य को फुट फ्लैगिंग कहा जाता है। इसे प्रजाति को उनका नाम मिलता है। इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है? तो मेंढक ये खाद्य श्रृंखला में मूल्यवान है। ये अन्य पारिस्थितिक सेवाओं में प्रदान करते हैं, अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं इसमें। ये उनसे इसके लिए खतरा क्या है? तो इन प्रजातियों को मच्छर मछली जैसी आक्रामक प्रजातियों और भूमि उपयोग में बदलाव, तापमान और आर्द्रता में भिन्नता, चरम मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़ और अधिक वर्षा, संक्रामक रोगों, जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से खतरा इनको है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाइट गुड्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने वाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI के तहत चयनित आवेदकों की निगरानी इसको कड़ी कर दी गई है, तभी इसको ये चर्चा में आया है। तो वाइट गुड्स स्टोव, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, टम्बर ट्रायल, डिशवाशर और एयर कंडीशनर जैसी बड़े घरेलू उपकरण इसमें शामिल होते हैं। ये घर में प्रयुक्त बड़े उपभोक्ता टिकाऊ सामान होते हैं जो परंपरागत रूप से केवल सफ़ेद रंग में उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में इन्हें विभिन्न रंगों की, पहले ये मतलब सफ़ेद रंग के होते थे और वर्तमान में इन्हें विभिन्न रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला में खरीदा जा सकता है, फिर भी इन्हें वाइट गुड्स भी कहा जाता है। ये स्थायित्व और दीर्घ आयु मतलब ज़्यादा दिन तक के लिए चलने वाली वस्तुएं के रूप में जानी जाती हैं क्योंकि इन्हें दैनिक उपयोग की मांगों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शब्द सफ़ेद कपड़ों को भी संदर्भित कर सकता है क्योंकि विशेष रूप से लिनन या सूती पर्दे, तौलिए या चादर जैसी वस्तुएं जो ऐतिहासिक रूप से सफ़ेद कपड़े से बनी होती थीं, ये पेय पदार्थ उद्योग में वाइट गुड्स रंगहीन स्प्रिटी होती है जैसा कि वोडका या जिन। ब्राउन गुड्स क्या होते हैं? तो ये कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया,
प्लेयर और टीवी रेडियो अपेक्षाकृत हल्के इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता टिकाऊ सामान ये जो होते हैं ये ब्राउन गुड्स में आते हैं। बड़े घरेलू उपकरणों में ब्राउन वाइट गुड्स के विपरीत ब्राउन गुड्स मनोरंजन संचार और सुविधाओं से अधिक केंद्रित इन पे होता है। इन उपकरणों में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं और इनका प्राथमिक कार्य ऑडियो वीडियो और डेटा संबंधी जो सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करना होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गाजा पट्टी के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये गाजा पट्टी का मैप है, ये पूरा गाजा पट्टी का मैप है और इधर इसका सीमा इज़राइल से लगती है, इधर से भी इज़राइल से लगती है और इसमें मेडिटेरियन सी से इधर लगता है इसका, और ये इजिप्ट से भी अपनी अपना सीमा साझा करता है। अब आइए देख लेते हैं, अभी हाल ही में इज़राइल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है और अगले चरण में अपने चौतरफा हमले में प्रवेश करने के बाद हमास को ख़त्म करने की कसम खाई है। अब इसके गाजा पट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक स्वशासित फिलिस्तीनी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम इसके मुख्य शहर गाजा से लिया गया है। ये दो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में से एक छोटा सा क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र वेस्ट बैंक है। इसके सीमावर्ती देश, तो इसके सीमा में सीमा उत्तर और पूर्व में इजराइल और दक्षिण में मिस्र से जुड़ी हुई है और पश्चिम में ये मेडिटेरियन सी से अपना सीमा साझा करता है। आकार में ये 41 किलोमीटर यानी 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु, तो यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और यहाँ जहाँ हल्की सर्दियाँ और शुष्क गर्मी यानी ग्रीष्मकाल होता है। जनसंख्या में ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र में लगभग 2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या ये मुख्य रूप से फिलिस्तीनी हैं जिसमें बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं। इसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं यानी इतिहास। तो इसराइल 1948 में अपना राज्य इसराइल ने घोषित करने के बाद मिस्र ने लगभग 2 दशकों तक गाजा पट्टी को नियंत्रित किया। इसराइल ने 1967 में अरब पड़ोसियों के खिलाफ 6 दिवसीय युद्ध में जीत के बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अगले 38 वर्षों तक इसराइल ने इसकी नियंत्रित इसको किया और 21 यहूदी बस्तियों के निर्माण में कोई सक्षम बनाया वहाँ के लिए। 2005 में इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव में गाजा पट्टी से लगभग 9,000 इजरायली निवासियों और उनके सैन्य बलों को वापस बुला लिया, जिससे ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित हो गया, जिसमें कब्जे वाले इसके वेस्ट बैंक और कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित किया गया। वर्तमान में इसे नियंत्रित कौन करता है? तो वर्तमान में हमास एक जो फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन है ये गाजा पट्टी पर शासन करता है। हमास ने 2007 में एक वर्ष उसके एक वर्ष पूर्व यहाँ चुनाव जीतकर यहाँ पर उसने नियंत्रित किया था और तब से यहाँ पर अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। फिलिस्तीन प्राधिकरण के विपरीत हमास इसराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। इसराइल ने इसे 2007 से गाजा पट्टी पर भूमि वायु और समुद्री नाकाबंदी बनाए रखी है। इसराइल ने वहाँ चारों तरफ से इसको बंद कर रखा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बैगा जनजाति के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में बैगा विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह होते हैं उनको PVTG ये छत्तीसगढ़ में राज्य के आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। देख लेते हैं बैगा जनजाति के बारे में। तो ये बैगा जनजाति विशेष रूप से कमज़ोर जो जनजातीय समूह होते हैं उनमें से एक है। वे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में ये रहते हैं। इनका व्यवसाय क्या है? तो ये परंपरागत रूप से बैगा ये अर्ध खानाबदोश जीवन जीते हैं और जो जो जंगल में लकड़ियाँ होती हैं उनको काटकर और जलाकर ये खेती करते हैं, यानी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती करते हैं। और अब वे अपनी आजीविका के लिए ये मुख्य रूप से लघु वन, जो छोटे छोटे वन होते हैं उनकी उपज जो होती है उन पर निर्भर होते हैं। ये स्थानांतरित कृषि का एक रूप अपनाते हैं यानी इसको ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती बोलते हैं, जिसे बेबर, ये लोग इसको बेबर कहते हैं। महुआ बैगाओं का खान पान का एक महत्वपूर्ण फल है इसके लिए। अब ये महुआ के पेड़ से फूलों के किण्वन और आसवन से तैयार किया एक नशीला पदार्थ, उसमें पेय पदार्थ से ड्रिंकिंग जैसा निकलता है उसको ये उसका सेवन करते हैं। और गोदना बैगा संस्कृति का एक विभिन्न अंग है। हर उम्र के उम्र और शरीर के अंग पर अवसर के लिए ये विशिष्ट रूप से अपने टैटू आरक्षित होता है। मतलब इनके हर उम्र का, कोई सी भी उम्र का व्यक्ति हो उस व्यक्ति के, हर व्यक्ति के
और उसके प्रत्येक अंग पे एक छोटा या बड़ा टैटू ये अपना गुदवाते हैं। इनका आवास अधिकार क्या होता है, तो देख लेते हैं आवास अधिकार के बारे में। तो पर्यावास अधिकार मान्यता प्राप्त संबंधित समुदायों को उनके निवास और पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिक के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपयोग, पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के अधिकार को प्रदान करता है। ये अधिकार पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा के लिए प्रचार करते हैं। वे PBTG समुदाय को उनके आवास को विकसित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनमें विभिन्न विभागों की पहल को एकजुट करने में भी मदद करते हैं। ये अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 की क्लास 1 जो आदिम जनजातीय समूह और पूर्व किसी समुदायों के लिए आवास और निवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार के तहत दिए गए हैं, इसे वन अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अटलांटिक बफिन के बारे में, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अभी हाल ही में अटलांटिक बफिन की एक संकर प्रजाति जिसकी उत्पत्ति पिछली शताब्दी में हुई थी, उसको वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ये एक ऑक परिवार की से छोटे पक्षियों की एक प्रजाति है। ये अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली एकमात्र बफिन प्रजाति है, ये ध्यान रखना। इसका वैज्ञानिक नाम फ्रेटर कुला आर्कटिका है। इसका पर्यावास, तो ये प्रजनन काल के दौरान उत्तरी अटलांटिक महासागर के चट्टानी जो तट होते हैं उन पर, और गैर प्रजनन काल में ये खुले समुद्र में ये पाए जाते हैं। इसकी भौगोलिक सीमा क्या होती है, तो ये प्रजाति प्रवासी पक्षी जो अधिकांश समय में अटलांटिक महासागर की आर पार जो यात्रा करने में अपना समय बिताते हैं और प्रत्येक प्रजनन काल में अपने मूल प्रजनन क्षेत्र में ये लौट जाते हैं। प्रजनन काल के दौरान ये 60% पक्षी आइसलैंड के तट पर निवास करते हैं और ग्रीनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पूर्वी कनाडा, नीदरलैंड के साथ साथ ये आयरलैंड के तट पर भी पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो एक छोटा और गठीला गोताखोर समुद्री पक्षी है जिसकी लंबाई लगभग 12 इंच और पंखों का इसका फैलाव 20 से 24 इंच होता है। इसके ऊपरी भाग पर काला और छाती तथा पेट पर सफ़ेद रंग होता है। इसके नर और मादा पक्षी एक समान ही दोनों दिखते हैं। इसके चमकीले नारंगी जालीदार पैर, सफ़ेद चेहरा और गाल और एक बड़ी त्रिकोणीय तोते जैसी चोंच इनकी होती है जो चमकदार लाल व पीले रंग की होती है। ये अधिकांश पक्षियों की तरह हवा में उड़ते हैं, लेकिन ये अपने पंखों को पैडल के रूप में उपयोग करने से इनका पानी में भी उड़ सकते हैं। ये हवा में तेज गति से उड़ते हैं और ये प्रत्येक मिनट में 400 बार अपने पंखों को प्रति मिनट में ये 400 बार अपने पंख फड़फड़ाते हैं और हवा में लगभग 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ते हैं। इन मतलब ये आहार में क्या खाते हैं, तो पफिन छोटी मछलियां खाते हैं जैसे रेत ईगल, हीरिंग, या इनका पानी में के भीतर ही अपना शिकार कर लेते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य के बारे में, तो ये राजस्थान में है और ये राजस्थान का मैप है। ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, इसमें कुछ अन्य भी है जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्तहारी टाइगर रिजर्व, चार टाइगर रिजर्व हैं उसमें राजस्थान में। आइए देखते हैं, अभी हाल ही में वन विभाग ने मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य में कर जंगल सफारी शुरू किया है, तो तभी चर्चा में आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह स्थान जिसे दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के 4 जिलों बूंदी, कोटा, झालवाड़ और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। ये 2 समांतर पर्वतों मुकुंदरा हिल्स और गरगोला द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। इसका गठन 2013 में किया गया था, इसमें मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, दारा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल अभयारण्य का हिस्सा इसमें शामिल है। ये पूर्व में कोटा के महाराजा का शिकार संरक्षित क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ पर ये चंबल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है ये, और इसकी सहायक नदियों में इससे होकर बहती हैं। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर खैर, बेर, कावन, रौंज आदि के साथ साथ काला ढोक या कलाधी की प्रमुख प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। ये ऊंचे ढलानों पर एनोजीसस पेंडुला
बेल सालार या ऊम और सीसम सहित एनोजीसस लेटिफोलिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जो जीव जंतुओं में यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो इसमें तेंदुआ, स्लॉथ वालू, नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरण, छोटा भारतीय सिवेट, टोडी बिल्ली, सियार, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, आम लंगूर आदि इसमें शामिल हैं। सामान्य रूप से सरीसृपों और उभयचर भी यहाँ हैं। इसमें अजगर, चूहे जैसा सांप, बफ धारीदार कीलबैक, हरी कीलबैक, मगरमच्छ, घड़ियाल, उदबिलाव और कछुए आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।